Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to show you guys my top 7 most favorite lip and cheek tints that are perfect for no makeup days. I know for a fact ki bahut si ladkiyan aisi hoti hain jinko day to day basis pe makeup laga ke office ya college jana pasand nahi hai. I'm also one of them. Mera abhi aisa kaam hai ki mujhe hafte mein ek hi bar makeup lagana hota hai video wagera film karne ke liye jaise ki abhi main kar rahi hu. To I honestly don't mind that. But day to day basis pe mujhe yaad hai jab main college जाती थी या मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे भी पसंद नहीं था एवरीडे लिपस्टिक लगाना. बट व्हाट हैपेंस इज कि हम बेयर लिप्स भी नहीं जाना चाहते बिकॉज दैट जस्ट वॉशेज अस ऑफ एंड वी फील लाइक वी डोंट फील कॉन्फिडेंट बिकॉज इट गिव्स अस अ वेरी डल अपीयरेंस. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज जिनको मेकअप नहीं लगाना है और एक नेचुरल सी फिनिशिंग चाहिए जिससे कि उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइटन अप लगे, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अवेक लगे, तो ये लिप टिंट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे. इनकी अच्छी क्वालिटी क्या है? एक तो ये गुड क्वालिटी है, दूसरा ये अफोर्डेबल है, तीसरा ये हमारी जो इंडियंस की ब्राउन स्किन होती है, पिगमेंटेड लिप स्किन हमारी जो होती है यूजुअली डार्क होती है, उसके साथ बहुत सीमलेसली एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है. ऐसा नहीं लगता कि आपने जबरदस्ती पिगमेंटेशन कवर करने के लिए लिपस्टिक लगाई हुई है. इट डज नॉट लुक लाइक अ लिपस्टिक बिकॉज दैट इज द इशू विद लिपस्टिक्स. यू नो, या तो आपको बिल्कुल ही ऐसे रेड, मरून, पिंक, डार्क कलर के शेड्स मिलते हैं जो कि लिपस्टिक जैसे दिखते हैं एंड यू डोंट वॉन्ट योर लिप्स टू लुक दैट गॉडी, या फिर अगर आप एक नेचुरल फिनिशिंग वाले के लिए जाते हैं विच इज वेरी वेरी लाइट लाइक अ न्यूड सिंपल सटल शेड, तो वो इतना हल्का हो जाता है कि वो हमें वॉश ऑफ कर देता है बिकॉज एज आई मेंशन्ड मोस्ट ऑफ अस हैव ब्राउन लिप स्किन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इसको लगाएं तो वो हमारे लिप्स की स्किन के साथ ऐसे ब्लेंड हो जाए कि हमें फिर उसको अलाइन करने के लिए मेकअप नहीं लगाना पड़े साथ में. अगर आपको मेकअप ही लगाना पड़े देन व्हाट्स द पॉइंट? सो माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दीज लिप बाम्स दैट आई विल मेंशन जस्ट शॉर्टली इज दैट दे आर परफेक्ट फॉर द नो मेकअप डेज. इनके इनफैक्ट जो मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी मेरे अपने लिप्स पर, वो मैं विदाउट मेकअप वाले फेस पे दिखाऊंगी ताकि आपको एक पिक्चर मिले कि अगर आप कोई मेकअप भी नहीं लगा के डायरेक्टली सिर्फ इनको लगाते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका फेस कैसा दिखेगा, सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर. Alright, so on that note, let's get started already. But video start करने के पहले बस एक छोटी सी request है, अगर आपको ये video अच्छी लगती है तो please like button press कर देना और अगर channel पे पहली बार आए हो तो please subscribe भी कर देना. That will mean a lot to me. And now finally, let's get started. Alright, so the first one is by the brand The Natural Wash Company. This is their tinted lip balm. इसमें दो variants आते हैं. One is rose, जो कि थोड़ा सा pink tone में है, और दूसरा ये वाला है which is pomegranate, जो कि थोड़ा सा subtle red और coral shade है. Slightly एक moisturizing consistency है इसकी, तो आपको subtle सा एक gloss मिलता है. Completely matte नहीं है ये, but I like this about it because इससे फिर मुझे lip balm अलग से और tint अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसी को लगाने से मेरे lips काफी अच्छे से moisturize हो जाते हैं और shade जो है ना बहुत नेचुरल और सटल आता है. इट हैज गॉट अ नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला विच इज वेरी हाइड्रेटिंग इन टेक्सचर. इट ग्लाइड्स ऑन स्मूथली ऑन टू द लिप्स. इसमें पोमोग्रेनेट ऑयल है, शेयर बटर है, ऑलिव ऑयल है, कोका बटर है, विटामिन ई है, और जितने सारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर सोर्स्ड फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिक सोर्सेज. अगर मैं इसकी स्टेइंग पावर की बात करूं, इट विल ईजिली स्टे अप टू 2 to 3 hours, आई वुड से, इफ यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग. एडिशनली सिंस इट कम्स इन दिस स्टिक lip balm format, you won't have to use your fingers also to apply this, which makes the application very hygienic. The second one is by the brand Ras Luxury Oils. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप देख ही सकते हैं, इतना छोटा सा 1 ml का कैप्सूल जितना छोटा सा जो बॉटल है, ये मुझे 472 rupees का पड़ा था, यानी क्लोज टू 500. ये भी मुझे उनकी एक मिनी किट थी तो उसके साथ मिल गया था. आई एम नॉट इवन श्योर ये अलग से मिलता भी है कि नहीं, पर इसमें चार बहुत ही ब्यूटिफुल वेरियंट्स है, सभी के सभी एकदम पसंद करने लायक है. लेकिन जो मैंने लिया था, दिस इज द मॉव पिंक, क्योंकि मुझे लगा था कि पिगमेंटेड लिप्स में ये वाला सबसे परफेक्टली सूट हो रहा था, तो ये मैंने यूज करा और मैंने ऑलमोस्ट इसको पूरा खत्म कर दिया है, मुझे काफी पसंद आया. इसमें ग्लिसरीन है, होहोबा ऑयल है, नेचुरल बटर्स हैं, लिप्स को बहुत हाइड्रेटेड रखता है और थोड़ा सा ही लगाने से क्वांटिटीज की इनफ होती है पूरे लिप्स के लिए और काफी लंबे टाइम के लिए ये इस लिप्स पे स्टे करता है. बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है और पिगमेंट पे ऑफ भी बहुत अच्छा है. ओनली अ वेरी लिटिल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड एंड इट परफेक्टली सूट्स द इंडियन लिप्स. द थर्ड वन इज बाय द ब्रांड लव अर्थ. दिस इज देयर मल्टी पॉट एंड आई एम इन द शेड बी द चेंज. इसमें बहुत सारी वेराइटी थी और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी एज टू विच वन टू पिक एंड आई बेट यू गाइस जब आप भी अपने लिए सिलेक्ट करोगे आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे एज टू विच वन टू गो फॉर. ऑल द शेड्स आर ब्यूटिफुली सूटेड टू द इंडियन स्किन टाइप एंड आई थिंक
बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए चूज करना जब आप वेबसाइट पे जाओगे तब। इसका बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट सा टेक्सचर है, लेकिन लगाने पे बिल्कुल मैट दिखता है पर ड्राइंग नहीं है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है, अफोर्डेबल भी है। और ये जो क्वांटिटी है ना, ये बहुत महीनों के लिए आपको चलने वाली है। ये लिप बाम मेरे पास ऑलमोस्ट 4-6 महीने से ऊपर से है और अभी तक इसका सिर्फ 10% ही मैंने यूज़ किया होगा और फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्रीमी है। इसमें होहोबा ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, विटामिन ई है। लगाने के बाद बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने लगाया है, इतना ज़्यादा लाइट वेट है। इन टोटल इसमें 9 शेड्स हैं और सारे ही बहुत अफोर्डेबल हैं और सुप्रीमली सॉफ्ट टेक्सचर है। आई जस्ट लव इट। इट्स मल्टीपर्पज। आप इसको लिप्स पे, चीक्स पे, आईलिड्स पे जैसे चाहें यूज कर सकते हैं और ये एक पॉट आपको मोर देन 6 to 8 months लास्ट करेगा, इवन इफ यू यूज इट ऑन अ डे टू डे बेसिस। The fourth one is by the brand Dot&Key. This is their Gloss Boss Lip Balm. This is enriched with vitamin C and vitamin E. इसका मेरा favorite part ये है कि ये supremely generous quantity देते हैं आपको for the price that they charge. I think hardly 200 something का था और इसमें आपको 12 ग्राम की quantity मिलती है, जो कि कोई और brand इतनी generous quantity of lip balm नहीं देता है इस price में। ये भी मुझे काफी हफ्तों चली थी और मुझे इसका formula बहुत moisturizing लगा, एक हल्की सी subtle gloss जैसी feeling देती है lips पे, जिससे के लिप्स जो है हाइड्रेटेड फील करते हैं, ड्राई और चिपचिप फील नहीं करते। एडिशनली इसमें SPF 30 है तो ये डे टाइम के लिए परफेक्ट है। मैं जो शेड यूज कर रही हूँ दिस इज स्ट्रॉबेरी क्रश, जो कि मुझे लगता है कि परफेक्ट शेड है इंडियन लिप्स के लिए। अदरवाइज इसमें इन टोटल 4 शेड्स आते हैं। जब आप इसे तुरंत लगाते हैं तब ये थोड़ा सा ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए थोड़ा टाइम दें इसको एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद ये उतना ट्रांसफर नहीं होता, बट इनिशियली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। थोड़ा सा मुझे बस इसकी पैकेजिंग में ये फ्लॉ लगता है कि क्योंकि ट्यूब पैकेजिंग है तो यू एक्चुअली हैव नो अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन द अमाउंट दैट यू टेकिंग आउट ऑफ इट। आप प्रेस करते हैं सडनली बहुत ज्यादा या बहुत कम बाहर आ सकता है, यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। अदर देन दैट इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नंबर 5 इज बाय द ब्रांड ब्लू हेवन। दिस इज देयर किस एंड ब्लश लिप एंड चीक टिंट। अगेन अ मल्टीपर्पज टिंट। इसको आप अपनी आईलिड्स पे, चीक्स पे, लिप्स पे इजिली लगा सकते हैं। एंड माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट दिस कैन बी इजिली बिल्ड अपॉन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्कुल हल्का सा लगाना है एकदम टिंट के जैसा, तो आप सिंगल एक कोट लगा लेंगे तो बहुत नेचुरल लुक देगा। लेकिन अगर आप इसको और बिल्डअप करना चाहते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और डार्क हो जाए, कंप्लीटली लिपस्टिक जैसा हो जाए, तो आप इसको ग्रेजुअली बिल्ड भी कर सकते हैं। ऐसी कोई इंडियन स्किन टोन नहीं है जिस पे ये सूट नहीं करेगा। चाहे आप बिल्कुल फेयर हैं, चाहे आप व्हीटिश हैं, चाहे आप बिल्कुल डीपर स्किन टोन में हैं, दिस इज गोइंग टू सूट एवरीबडी। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, जहां पे मैंने बताया था एज टू हाउ दिस प्रोडक्ट कंप्लीटली टुक मी बाय सरप्राइज। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द शेड वेराइटी, विद द फॉर्मुलेशन, एवरीथिंग। बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। थोड़ा सा ट्रांसफर हो सकता है शुरू में, बट फिर भी बाकियों के मुकाबले काफी कम ट्रांसफर होता है। इसमें एवोकाडो ऑयल है, मैंगो बटर है, इससे इसका फॉर्मूला बहुत ही स्मूथ और हाइड्रेटिंग हो जाता है। The sixth one is by the brand Earth Rhythm. This is their tinted lippy and I'm in the shade Ahoy there. I think Indians, when it comes to the Indian skin, maximum girls yehi wala shade order karti hain. Ye sabhi ko suit karta hai. Halki si shine hai, isme thoda sa glossy look deta hai. Ye matte finishing nahi deta hai. Thoda moisturizing formula hai iska. Aapko aisa lagega aapne koi lip oil lagaya hua hai, to kaafi hydrating hai. Aur also isme SPF 30 use kiya hua hai, encapsulated sunscreen dala hua hai, to wo bhi iska ek plus point hai ki aap isko daytime mein laga sakte hai. Iski bhi again क्वांटिटी काफी जेनरस है, दे गिव यू 10 ग्राम्स ऑफ द क्वांटिटी व्हिच इज क्वाइट अलॉट। मेरे पास आई थिंक ये पिछले 1-1.5 साल से है और तब से अभी तक ये चलता ही जा रहा है। एक ब्राउनिश सा शेड है इसका, जो कि मैक्सिमम स्किन टोन्स को सूट करता है। मैट फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत से ऑयल्स यूज करे हुए हैं, जैसे कि शे बटर है, इसमें ऑर्गेनिक स्वीट आलमंड ऑयल है, बहुत तरीके के इम्यूलियंस हैं जो कि आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखते हैं। क्लोजिंग ऑफ टुडेज लिस्ट विद द लास्ट बट माय पर्सनल मोस्ट फेवरेट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल द वंस दैट आई हैव मेंशन सो फार इज दिस वन बाय डॉटर अर्थ। दिस इज देयर लिप एंड चीक टिंट एंड आई एम इन द शेड कोरल न्यूट। Honestly speaking, this is slightly on the expensive side of things, because for 4.5 grams of quantity you pay almost about 975 rupees, which is close to 1000. But trust me, if you have that kind of budget to invest in a good lip balm, this will run you for ages. आप थक जाओगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा। मेरे पास अभी तक जितने भी मैंने दिखाए, सबसे पहले मैंने ये लिया हुआ था, आज तक मेरे पास है और सबसे कम क्वांटिटी इसी की यूज हुई है। अगर आप थोड़ा बहुत अटेंशन देना चाहते हैं कि आप जो लिप टिंट लगा रहे हैं सिर्फ टिंट ना दें, लेकिन साथ में आपके लिप्स की क्वालिटी भी खराब नहीं हो, आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, आपके जो लिप की स्किन के बैरियर के लिए अच्छा हो, तो इंग्रीडियंट्स और फॉर्मुलेशन पे ध्यान देना उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हम कोई फेस के लिए जब सेरम या क्रीम लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर
ऐसी आपकी भी सोच है तो ये वाला आपको बहुत पसंद आएगा। पर्सनली इन माई ओपिनियन नो मेकअप डेज के लिए ये वाला परफेक्ट है, आई कैन ब्लाइंडली वाउच फॉर इट। इसमें कोई भी सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल्स उन्होंने यूज नहीं किए हैं, ना ही पिगमेंट के लिए और ना ही टेक्सचर के लिए। इसका फॉर्मूला बाय फार दी बेस्ट है इन टूडेज इंटायर लिस्ट। उन्होंने प्योर प्लांट बटर्स और ऑयल्स यूज करे हैं जिससे कि आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहते हैं, इसे बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी स्किन का जो लिपिड बैरियर है वो भी स्ट्रेंथन होता है। So that's it, you guys. I really hope that you found these suggestions to be useful. Video खत्म करने के पहले अगर मुझे आपको बिल्कुल briefly अपने favorite options बताने हो जिनकी तरफ मैं थोड़ी सी ज़्यादा biased हूँ, तो मैं कहूँगी अगर आपको budget friendly option चाहिए तो ये Blue Heaven वाली stick मुझे आजकल काफी पसंद आई हुई है. This is really really good. लेकिन अगर budget आपके लिए problem नहीं है, then I will recommend to you this one by Daughter Earth, the one that I just showed you in the end. So these two options are perfect. They are my most favorite out of this entire 7 also. But again, it's your choice. I'm going to leave the links to all of them in the description box below. And please comment down below and let me know agar aapne isme se koi use kara hai pehle aur aapka experience uske saath kaisa tha. I'm going to see you guys very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.